YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। नगर निगम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर जीत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक रणनीति को लेकर पलामू जिला कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक आज जिला कांग्रेस भवन में बुलाई गई। आज की बैठक में प्रदेश स्तर के पार्टी नेताओं के अलावा पलामू जिले के वरीय कांग्रेस जनों, यूथ कांग्रेस व NSUI के नेता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर दोनों पदों पर विजय हासिल करने के लिए एकजुटता के साथ कड़ी परिश्रम पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ल ने कहा कि दोनों पदों पर कांग्रेस पार्टी की जीत पक्की है। भाजपा से सर्वासियों की उम्मीदें अब खत्म हो चुकी है। खास महल का मुद्दा आज भी अनसुलझा हुआ है। आधे शहरवासी इससे प्रभावित हैं। कहा कि पेयजल की समस्या गहरा चुकी है, जबकि शहरी पेयजल आपूर्ति योजना फेज 1 और 2 हाथी का दांत साबित हो रही है। वैसे में निगम वासियों की आशा भरी निगाहें मात्र कांग्रेस पार्टी की ओर ही है। विजयी होने पर निगम क्षेत्र को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में गुलदस्ते की तरह सजाया जाएगा। कांग्रेस कमेटी की बैठक आहूत की गई है और इस बैठक में हमारे प्रदेश स्तर से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस, NSUI सारे लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। नगर निगम चुनाव की तैयारी बैठक है। हम आज अपने पदाधिकारी नेताओं की भावना को आगे रख के आज से हमारी रणनीति बननी शुरू हो गई है। और हम आपको बता दें कि डाल्टनगंज मेदनी नगर निगम चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस दोनों सीट जीत रही है और एक मजबूत और ठोस रणनीति आज हम यहाँ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। अपने तमाम नेताओं के विज़न पर यह कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हम आपको बता दें कि जो निगम की हालत है और जो मतदाताओं का रुझान है, पिछले दिनों में जो इस राज्य की सरकार रघुवर दास की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस निगम में जो किया है, खास चाहे वह मुद्दा खास महल का हो कि किस तरह से खास महल के मुद्दे पर सरकार पूरे निगम क्षेत्र के आधी जनसंख्या को प्रभावित कर रखा है राज्य सरकार। पेयजल का संकट फेज 1 फेज 2 और आज भी इस शहर की संभ्रांत महिलाएं घड़ा और बाल्टी लेकर सड़क पर निकल रही हैं पानी भरने के लिए। बजबजाती नालियां, टूटी सड़क, इन तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार की विफलता पर मतदाता पूरी तरह से आक्रोशित है और मतदाताओं का रुझान और निगाह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ओर है। और हमारे जो दोनों प्रत्याशी हैं, मेयर पद की मीना देवी जी और डिप्टी मेयर के लिए मनोज सिंह जी, बहुत सोच समझकर और एक विजन वाला प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने दिया है और निश्चित रूप से डाल्टनगंज नगर निगम पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। और मेयर और डिप्टी मेयर मीना देवी और मनोज सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस शहर को गुलदस्ते की तरह सजाने का काम करेगी और जो निगम का विकास है वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यहाँ के लोगों की सुख सुविधा को देखते हुए तमाम समस्याओं का समाधान कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी।